डर डर दो तरह का होता है, एक खुद डर जाना और दूसरा दूसरों को डराना। खुद अगर डर जाते हैं तो इसके लिए कोई भी आप मार्शल आर्ट आप एडप्ट कर सकते हैं। इसी डर को आपका मन से निकालने के लिए कुछ टेक्निक लाया हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं ओपन फाइट, हमारा यूट्यूब चैनल। तो फर्स्ट आज कुछ हैंड टेक्निक दिखा रहा हूँ। तो इससे पहले भी ये प्रैक्टिस का वीडियो दिया हुआ है। तो फर्स्ट है मिडिल ब्लॉक, अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक। तो ये सब कब यूज़ हो सकता है, तो ये टेक्निक अभी दिखाऊंगा। स्पाइरिंग के टाइम कैसे यूज़ हो सकता है। मेरा साथ है राकेश, वो भी मार्शल आर्ट करता है। आज से करीबन 5 साल हो गया इसको मार्शल आर्ट सीखते हुए, ये भी ब्लैक बेल्ट है। तो आज ये और मैं दोनों मिलकर आपको दिखाऊंगा कुछ टेक्निक। तो अभी फर्स्ट मैं दिखाने वाला हूँ मिडिल ब्लॉक, तो वो किस काम में आता है तो वो दिखा रहा हूँ। बस ये मिडिल ब्लॉक है। कभी भी कोई भी मिडिल पंच करता है तो इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब भीतर से बाहर जाता है और आपका जो दूसरा पंच कर रहा है वो पंच को बॉडी से बाहर निकल जाता है। अभी नेक्स्ट जो दिखा रहा हूँ वो अपर ब्लॉक है, जो आपका फेस गार्ड होता है। तो मिडिल ब्लॉक जैसा चेस गार्ड हुआ और अपर ब्लॉक आपका फेस गार्ड होगा। ये पूरा नीचे से आता है ब्लॉक, नीचे से आके सपोज कोई आपका फेस में मार रहा है, फेस में आ रहा है पंच, तब ये नीचे से ऊपर तरफ हाथ को उठाना पड़ता है जिससे पंच बाहर चला जाता है आपका सर का ऊपर। उसके बाद आप कोई भी अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है आपका लोअर ब्लॉक, जो बिलो द बेल्ट मीन्स आपका गोएंस लेवल को प्रोटेक्ट करता है। अभी ये टोटली ऑपोजिट है, ये ऊपर से नीचे तरफ आएगा, नीचे तरफ आके इसको बाहर तरफ भेज देता है हाथ को, जो पंच कर रहे हैं उसको बाहर भेज देता है। ये टोटली आपका नीचे लोअर पोर्शन आपका गार्ड होता है। तो यही तीन टेक्निक है। अभी मैं नेक्स्ट और एक भी दिखा रहा हूँ, स्पाइरिंग के टाइम कैसे यूज़ होता है ये सारा ब्लॉक। तो अभी दिखा रहा हूँ रोड स्पाइरिंग, आपका स्पाइरिंग में कैसे यूज़ होता है ये तीनों ब्लॉक। और उसके साथ मैं कुछ हैंड टेक्निक भी दिखाऊंगा, मीन्स आपका इसका एगेंस्ट में, ब्लॉक का एगेंस्ट में कैसे हीट करना है ऑपोजिट जो आपको अटैक करे उसको। तो फर्स्ट आप खड़ा हो जाइए फाइटिंग स्टांस में, ठीक है। अभी कोई अटैक कर रहा है, अभी ये अपर ब्लॉक हो गया, उसके बाद उसका मुंह खाली है, उसका फेस में पंच जा सकता है, नीचे पंच जा सकता है। अगेन नेक्स्ट जो है मिडिल ब्लॉक, सेम मिडिल ब्लॉक हो गया। अभी यहाँ से आप एल्बो स्ट्राइक कर सकते हैं, सिंपली यहाँ से पंच भी जा सकते हैं। फर्स्ट मैं डिफेंस किया, उसके बाद अटैक। नेक्स्ट ए लोअर ब्लॉक, यहाँ से सिंपल पंच हो सकता है, नहीं तो आप सामने जाके एल्बो स्ट्राइक मार सकते हैं।
डर, उम्मीद करते ही ये शब्द आपका मन से थोड़ा बहुत भी निकल चुका होगा अभी ये वीडियो देख के। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।